नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ टीचर्स में स्वागत है। मैं हूं नीरज मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं सीटेट जुलाई 2019 का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन, उसका पूरे एक्सप्लेनेशन और वो भी बहुत ही आकर्षक ढंग में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा सो दैट आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें कि सीटेट में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्योंकि सीटेट में कॉन्सेप्ट वही होते हैं और उनकी लैंग्वेज घुमा फिरा करके आती है, पेपर इतने बड़े होते हैं कि आपको समझ में नहीं आते। तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे होंगे और उनके उनमें लैंग्वेज कैसी होती है। यह वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल होगा, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, आप चाहे किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने आए हैं और वो भी बहुत ही मज़ेदार ढंग से। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? दोस्तों क्योंकि पर्यावरण और आनुवंशिकता की पारस्परिक क्रिया होती है, क्योंकि डेवलपमेंट इज इक्वल टू एच इंटू ई ही ई दिया गया है, यह एक आपको फार्मूला दिया गया है। डेवलपमेंट का मतलब हो जाए डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट, मीन्स हेरिडिटी आनुवंशिकता और आपके पर्यावरण दोनों का असर आपके वैयक्तिक विभिन्नता पर पड़ता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 3। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, मींस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कौन सा नहीं है? तो दोस्तों विकास का जो सिद्धांत है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, यह बात गलत है, क्योंकि सटीक गति को निर्धारित नहीं कर सकते, आप पहले से नहीं बोल सकते कि ये होगा, क्योंकि जैसा उसका एनवायरमेंट मिलेगा वैसा उसका विकास होगा, क्यों एनवायरनमेंट को तो आपको पता नहीं है कि आज के 10 साल बाद कैसा एनवायरनमेंट होगा, इसलिए आप सटीक रूप से निर्धारित नहीं कर सकते, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 3। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसका सही विवेचन क्या है? तो दोस्तों कक्षा में जो लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, यह एक लिंग पक्षपात का उदाहरण है, क्योंकि इसमें पक्षपात कर रहा है टीचर, वो बायस्ड है किसी एक जेंडर की तरफ और सिर्फ उन्हीं की तरफ उसका झुकाव है, उन्हीं से ज़्यादा बातचीत करता है। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? तो देखिए दोस्तों प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो होती है उसमें बच्चे की कैपेसिटी और उसके पोटेंशियल पर बिलीव किया जाता है, उस प्रोग्रेसिव एजुकेशन यह मानता है कि हर बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी है सीखने की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य रूप से बाधित मींस विजुअली चैलेंज्ड जो बच्चा है कि उनके लिए कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए, मीन्स उसको कैसे डायरेक्शन देने चाहिए? तो देखिए दोस्तों ऐसे बच्चों को पढ़ाते समय स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए टीचर को और उसे छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक अधिक मात्रा में उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो देख तो सकता नहीं है, इसलिए और सभी जो आंसर हैं वो गलत हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा 4। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, मींस कोऑपरेटिव लर्निंग जो होती है और जो पीयर ट्यूटरिंग होती है, मतलब पीयर्स ग्रुप जो होते हैं उन अगर आप उनको इंक्लूसिव एजुकेशन में किस प्रकार से उसका उपयोग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों पीयर ट्यूटरिंग जो होती है मींस बच्चे जो आपस में समूह में सीखते हैं उससे हमें सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, मींस प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को डिस्कस करते समय कुछ पॉइंट्स का बार बार नाम ले रहा हूँ, तो उन पॉइंट्स को आप समझते चलिए। NCF 2005, मल्टीलिंगुअलिज्म, इसके अलावा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच और इंक्लूसिव एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इन 5 पॉइंट्स को अगर आपने समझ लिया है तो दोस्तों आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी आप बार बार देखेंगे कि यही पॉइंट्स 5 पॉइंट्स जो है रिपीट होंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो समावेशी कक्षा के लिए इंडिविजुअलाइज्ड लेसन प्लान तैयार किया जाता है, मीन्स हर बच्चे की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग प्लान के अनुसार पढ़ाया जाता है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन है वो किसी को हटा तो सकता नहीं है, सभी को उसको शामिल करना है और सभी को साथ ही पढ़ाना है, तो वहाँ पर उसको अलग अलग प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे थोड़ा अशक्त हैं तो उनके लिए हो सकता है वो कंक्रीट थिंग्स को ज़्यादा पढ़ाया जाए या हैंडमेड चीज़ों को, हैंडीक्राफ्ट आर्टीक्राफ्ट सिखाया जाए, तो इसलिए वो इंडिविजुअलाइज्ड हो जाता है, इंडिविजुअल मीन्स व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 5। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के
मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है, मींस लर्नर और उनकी जो प्राइमरी क्वालिटीज़ हैं उनको मिलान करना है। तो देखिए, पठन अक्षमता अधिगम करता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी है, तो पठन अक्षमता सिर्फ पढ़ने संबंधित होती है, इसलिए ये राइट आंसर नहीं होगा। सृजनात्मक अधिगम करता, सृजनात्मक अधिगम करता अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे हैं, नहीं, जो क्रिएटिव लर्नर होता है वो हाइपर एक्टिव तो नहीं, वो एक्टिव तो रहेगा लेकिन हाइपर नहीं होगा, और वो कार्य को पूरा करने में तेज होगा, इसलिए ये भी आंसर सही नहीं होगा। अवधानात्मक कदमी अधिगम करता उच्च अभिप्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रह सकते हैं, ये बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि ADHD से जो बच्चा परेशान होता है वो उसका उसका जो अवधान जो होता है एक जगह टिक नहीं पाता और बहुत ज़्यादा वो एक्टिव होता है। तो और यहाँ पर श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगम करता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं पाते हैं, तो देखिए यहाँ पर सुनने संबंधित अदृश्य सूचनाओं से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पठन अक्षमता का वैसे मतलब तो पठन से संबंधित है लेकिन डिसलेक्सिक है, इसलिए वहाँ पर इसको पढ़ने और लिखने को दोनों को सम्मिलित कर लिया जाएगा। राइट आंसर होगा 1। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है, मीन्स कोई एक प्रॉब्लम दिया गया है उसके ओरिजिन में जा करके और डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस ढूंढ रहा है एक बच्चा, तो ये किस प्रकार के बच्चे की विशेषता होती है। तो दोस्तों, जो डाइवर्जेंट मीन्स अपसारी चिंतन कर सकता है, विभिन्न प्रकार के सॉल्यूशन ढूंढ सकता है, इस प्रकार का जो बच्चा होता है वो सृजनात्मक बच्चा होता है। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है, तो देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट परिवेश बनाना है। कंस्ट्रक्टिविस्ट परिवेश के आप जानते हैं कि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, अपने नॉलेज को क्रिएट करेगा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक समस्या समाधान करने वाला था वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चे को क्रिएटिव उसको संरचनात्मक ढांचे में माना जाता है। अगर अन्य विकल्पों को देखें तो कोरी पटिया या खाली स्लेट जो है, ब्लैंक स्लेट में जो है टेबुला रासा, ये बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि हमें कोई बच्चा दे दो हम कुछ भी बना देंगे, मतलब वो अपने मन से कुछ भी भर सकते हैं, तो इस प्रकार से इसमें टेबुला रासा, तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं होगा। और पैसिव बींग, तो देखिए दोस्तों कंस्ट्रक्टिविस्ट में एक्टिव लर्निंग होती है, पैसिव तो होगा नहीं, उसको हटा दीजिए। और लघु वयस्क के रूप में सभी पक्षों जैसे आकार असंज्ञानता संवेग में वयस्क की तुलना में कम है, तो इसे आप कोग्निटिव थ्योरी के रूप में मान सकते हैं जो कि पियाजे से संबंधित है। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है, तो इस प्रकार की जो एक कक्षा होगी उसमें शिक्षक जो होगा वो सहयोगात्मक होगा तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करेगा। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों की गलतियाँ एवं भ्रांत धारणाएँ, मीन्स बच्चों के जो एरर्स होते हैं और मिसकंसेप्शन होते हैं, वो हमने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि मिसकंसेप्शन जो होते हैं वो एक तरह से वे तैयार करते हैं, उनको इनसाइट मार्ग बताते हैं कि इस प्रकार से सोचना है, वो इनके प्रक्रिया का एक अंग है, तो गलतियों को हमें प्रक्रिया का एक अंग मानेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, तो इस प्रकार से कि इसमें आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, मीन्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण स्टेप है। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है, मीन्स जो इन्होंने स्कीमा का नाम दिया था दोस्तों, अब अगर आप लोगों ने पियाजे का सिद्धांत पढ़ा हो तो उन्होंने स्कीमा कहा, तो उन्होंने कहा कि विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं होती हैं, स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, बंडल्स होते हैं कि उसमें एक्सपीरियंस को संचित करके रखा जाता है, तो उन्होंने स्कीमा इसे कहा था, और इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 1। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उचित प्रश्न अथवा सुझाव के द्वारा बच्ची को समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है, तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकर्षित करती है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा वो ये होगा समीपस्थ, समीपस्थ निकटस्थ अथवा निकटस्थ विकास का क्षेत्र जिसे ZPD कहा था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, किसने कहा था, वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चा जो होता है वो सहयोग से, अगर उसे सहयोग दे दिया जाए तो बहुत आगे तक जा सकता है, वो उसको एक संभावित विकास का क्षेत्र होता है कि अगर उसको एक हम पाड़ा या मचान स्कैफोल्डिंग दे दें तो वहाँ तक जा सकता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है, मीन्स वेगोस्की जो कहते हैं कि बेसिक मेंटल कैपेसिटीज़ होती हैं, अगर उनको हायर कॉग्निटिव प्रोसेस में हमें चेंज करना है
तो क्या करेंगे? तो लेव वाइगस्क्यू जो होते हैं, क्योंकि ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, इसलिए इन्होंने सीधे सीधे कहा कि सामाजिक पारस्परिक क्रिया सोशल इंटरेक्शन इन समाज में बच्चा सीख करके उसका अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रिया को उच्च कर सकता है। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से है, मीन्स कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में से कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एबिलिटी टू कंजर्व। कंजर्वेशन की जो एबिलिटी है वो आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है, इसलिए राइट आंसर होगा वन। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं, मीन्स जो कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की, वो लर्निंग को किस तरह से देखेंगे? तो लर्निंग जो है वो मीनिंग मेकिंग कहते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ही है कंस्ट्रक्शन करना है नॉलेज का, मीनिंग मेकिंग करना है, अर्थात एक्टिवली पार्टिसिपेट करके बच्चा अपने नॉलेज का निर्माण करेगा। इसलिए प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाई एक्टिव एंगेजमेंट मीन सक्रिय रूप से काम में लग करके अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कर्तनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुषों एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं से चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रभावी रणनीति है, मीन्स न्यूज़पेपर की कटिंग्स को इकट्ठा करना और उन्हें प्रेजेंट करना। इसके अलावा महिलाओं और पुरुषों को जो उनका ट्रेडिशनल रोल है उससे हट करके प्रेजेंट करना, ये किसके लिए एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी होगी? तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के जो काम किए जाते हैं, अगर हम मान लीजिए हमें दिखाना हो, जैसे कि पुरानी किताबों में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक जो स्त्री है उसको जो है भोजन पकाते हुए अथवा दूध दुहते हुए अथवा बच्चे का लालन पालन करते हुए दिखाया गया, यह उसका ट्रेडिशनल रोल है। लेकिन अगर एक महिला को अगर ये दिखाया जाए कि वो एक इंजीनियर है अथवा डॉक्टर है अथवा टीचर है अथवा आर्मी ऑफिसर है, तो ये गैर परंपरागत भूमिका में चित्रण हुआ। इसी प्रकार से पुरुषों को खाना बनाने में लगा दिया जाए अथवा बच्चों को संभालने में लगा दिया जाए, तो ये उनके लिए गैर परंपरागत हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो रणनीति होती है वो जो जेंडर भूमिकाएँ होती हैं उनका सामना करने के लिए, मीन्स उनको काउंटर करने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए अपनाई जाती हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप, मींस जो बनी बनाई धारणा है उसको हटाना है, इसलिए लैंगिक रूढ़ियों को सामना करने के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए था कोहलबर्ग के नैतिक वर्गीय अवस्था को पहचानिए। तो इसमें जो आंसर है दोस्तों वो ये हो जाएगा सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, मीन्स यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा हो तो उसमें हमने बताया था कि बच्चा अगर ये कहे कि सभी के लिए ऐसा होना चाहिए, अथवा सार्वभौमिक रूप से अगर ये कहे कि उसके लिए एक नया मतलब उसके लिए एक समान रूल होना चाहिए, उसे हम कहते हैं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो इसमें जहाँ पर ये लिखा गया है कि संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता, यही एक शब्द जो है ये आपको बता दे रहा है कि ये सार्वभौम होगा। इसलिए दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा है तो देख के डरना नहीं है, इसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं उनको आप समझते हुए चलिए। इसलिए राइट आंसर होगा थ्री। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? देखिए, गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने डिफरेंट प्रकार की क्वालिटीज़ को बताया है और उसको डिफ्रेंशिएट किया कि इस प्रकार की क्वालिटीज़ को रखने वाला व्यक्ति कौन सा होगा, उसके अंदर कौन सा इंटेलिजेंस होगा। देखिए क्वालिटीज़ क्या क्या दिए हैं, दूसरों की मनोदशा स्वभाव प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की योग्यता। देखिए दोस्तों, दो प्रकार की इंटेलिजेंस जो मुख्य रूप से होती हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। तो इंटर का मतलब हो जाएगा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, और इंट्रा का मतलब हो जाएगा एक ही व्यक्ति के अंदर, मतलब खुद का अगर विश्लेषण करना है तो वो इंट्रापर्सनल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा, क्योंकि दूसरों की मनोदशा स्वभाव प्रेरणा को हमें डिटेक्ट करना है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंटरपर्सनल। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? तो बच्चों के मूल्यांकन के लिए देखिए दोस्तों, तीनों इम्पॉर्टेंट, इसमें दो तीन और चार इम्पॉर्टेंट हैं। कैसे? कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, तो ज़रूरी है कि आप यदि मूल्यांकन करेंगे तो तब ना आप सुधार पाएंगे, तब आपको लगेगा कि यहाँ कमी हो गई है शायद, इसलिए आप शिक्षण अधिगम की जो लर्निंग प्रोसेस हैं उनको आप
चेंज करेंगे, और दूसरा है समय के, तीसरा है समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तन में प्रगति के बारे में पता लगाना। तो बच्चे कितना प्रोग्रेस किए हैं उसको पता लगाना आपका ऑब्वियसली आपके मूल्यांकन का, एवेल्युएशन असेसमेंट का ये पार्ट होगा। और तीसरा है बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो देखिए जो पीटीएम होता है वो इसी प्रकार की चर्चा के लिए होता है, क्योंकि टेस्ट के बाद वो आयोजित किया जाता है, चाहे पीरियडिक टेस्ट हो चाहे वो हाफ ईयरली हो। तो इसलिए बच्चों की क्षमताओं के या कि उनके अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, वो कितना प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो इस प्रकार से चर्चा करने के लिए अब ये चर्चा तभी होगी जब वहाँ पर असेसमेंट होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मूल्यांकन का कारण ये हो जाएगा तीनों, दो तीन और चार, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा दो। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? तो बच्चे के समाजीकरण में मीडिया, विद्यालय, परिवार और आस पड़ोस सभी की भूमिका होती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा थ्री। तो दोस्तों इस तरह से CDP सेक्शन के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह सेक्शन आपको पसंद आया होगा, यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के बीच भी शेयर करिए ताकि सभी लोग इसका आनंद ले सकें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आप ऐसे ही ऑथेंटिक और हेल्पफुल नॉलेज प्राप्त करते रहें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट आपको न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें दोस्तों। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो उससे आप टेलीग्राम चैनल को से जुड़ना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।